दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम बीजी सॉफ्टवेयर चाहे आप यूज करते हो चाहे आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये लिस्ट ऑफ कंपनी में से काफ़ी सारी कंपनी जो हमने क्रिएट की होती है सॉफ्टवेयर में उसकी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने गलती से कोई ऐसी कंपनी क्रिएट कर दी जो आपके लिए यूजलेस है, यानी कि उस कंपनी में आप कोई भी वर्क नहीं करते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो भी उस कंपनी का नाम आपको इस लिस्ट में शो ना हो तो उसको हम डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप बीजी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो सेम प्रोसेस आपको बीजी सॉफ्टवेयर में भी उस कंपनी का नाम आपको दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हो भी इस लिस्ट ऑफ कंपनी में उस कंपनी का नाम ना आए, यानी कि उस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हो, तो हम डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में दो अलग अलग तरीके बताऊंगा और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी कंपनी को डिलीट करने के दो अलग अलग तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों ये आज की जो वीडियो है ये केवल एजुकेशनल पर्पज से मैंने बनाई है। अगर आप किसी कंपनी में रियल बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो वहां पर आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना, ये आपको वीडियो देखने के बाद खुद वे खुद पता चल जाएगा भी कंपनी को डिलीट क्यों नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए और आपको मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा प्रैक्टिकली तरीके से भी हम कंपनी को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो हम उसको टेम्परेरी रूप से भी डिलीट कर सकते हैं और उसको परमानेंटली भी डिलीट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है एक प्रेशर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, साथ पर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनसुतार और स्वागत आप सभी का इस YouTube चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में से हम कंपनी को परमानेंटली डिलीट और उसको टेम्परेरी रूप से डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम डेमो के लिए एक अलग कंपनी को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया अभी डेमो कंपनी फॉर डिलीट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इस कंपनी को यहाँ पर क्रिएट हम कर रहे हैं और इंटर प्रेस करते हुए इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। तो जैसे हम वापस अब सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे दोबारा तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से लिस्ट वापस आ जाएगी और इसमें अभी आप देखो जो अभी हमने कंपनी जो क्रिएट करी थी भी डेमो कंपनी फॉर डिलीट, तो इसका नाम इस लिस्ट ऑफ कंपनी में एड हो गया। अब मान लीजिए ये जो कंपनी है आपने गलती से क्रिएट कर दी, आपको नाम कोई और रखना था लेकिन गलती से इस कंपनी का नाम आपने ये दे दिया। अगर आप अब दोबारा किसी दूसरे ओरिजिनल नाम से कंपनी क्रिएट करोगे तो आपके सामने ये जो नाम है वो इस लिस्ट में हमेशा दिखाई देता रहेगा। अगर आप चाहते हो भी ये जो नाम है इस लिस्ट ऑफ कंपनी में टैली सॉफ्टवेयर में ना दिखाई दे, तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं परमानेंटली डिलीट और इसको टेम्परेरी रूप से डिलीट करने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको टेम्परेरी रूप से किस तरीके से डिलीट करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी कंपनी आपको टेम्परेरी रूप से हाइड करनी है तो उसका नाम और उसके नाम के आगे आपको उसका कोड दिखाई देगा। जैसा कि आप इसके जो कंपनी का जो क्रिएट कोड जो बन गया ये कोड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा 1007। तो दोस्तों अब ये जो कंपनी का ये जो डाटा है इस कंपनी का वो कहाँ पे मिलेगा हमें, इस लोकेशन पे, यानी कि सी ड्राइव में, यूजर फोल्डर में, पब्लिक फोल्डर में, सब फोल्डर टैली प्राइम में और उसके बाद में डाटा, और उस डाटा के अंदर हमें 1007 का ये डाटा का फोल्डर मिल जाएगा। तो अब इस लोकेशन पर हम चलते हैं। सबसे पहले सी ड्राइव में जाएंगे, हम यूजर पे जाएंगे, पब्लिक पर जाएंगे, टैली प्राइम को ओपन करेंगे और डेटा को ओपन करेंगे। तो जो उस कंपनी का जो डाटा था 1007 का वो अब यहाँ पर आ गया है। तो अगर आप चाहते हो भी इस कंपनी का नाम टेम्परेरी रूप से हटे, परमानेंटली डिलीट आपको नहीं करना है, तो आपको करना क्या होगा, इस फोल्डर का रीनेम आप कर दो। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे डेमो। हालांकि ये जो नाम आपको वहां पर दिखाई तो जरूर देगा पर आपको उस कंपनी के नाम से दिखाई नहीं देगा। अब ये ओपन बोल रहा है क्योंकि वो कंपनी हमने ओपन कर दी होगी, तो इस डाटा को एक बार हमें क्लोज करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट करके किसी दूसरी कंपनी को एक बार हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम करना पड़ेगा शट। अगर आप कंपनी ओपन खुली हुई आपकी तो वो कंपनी एक बार रीनेम नहीं होगी, तो अब वो चेंज हो जाएगी। तो हम इसको वापस कर देंगे डेमो कंपनी।
तो अब ये जैसे डेमो कंपनी का नाम हमने दे दिया, तो उसके बाद में जैसे आप कंपनी टेली सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करोगे और सेलेक्ट कंपनी के आपके सामने ये जो लिस्ट आएगी, अब उस लिस्ट के अंदर ये जो डेमो कंपनी फॉर डिलीट के नाम से जो हमने क्रिएट करी वो नाम तो नहीं आया, बट आपको इस डेमो कंपनी के नाम से ये जो फोल्डर है ये जरूर दिखाई देगा। लेकिन अब ये आप चाहते हो भी इसका नाम भी आपको दिखाई ना दे, तो अब आपको यहाँ से यह तो आप इस फोल्डर को यहाँ से कट करके हम किसी दूसरी जगह रख सकते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे इस फोल्डर को कट कर दिया, आपने कहीं दूसरी जगह जाके इसको पेस्ट कर दिया, यानी कि इस लिस्ट में से आपने इसको हटा दिया। तो अब जैसे आप इस कंपनी को वापस हम रिफ्रेश करके सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे वापस, तो उस कंपनी का नाम अब आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो ये था आपको इस लिस्ट ऑफ कंपनी में से टेम्परेरी रूप से हटाने के लिए। हो सकता है उस कंपनी की जरूरत आपको इन फ्यूचर पड़ जाए, तो वो आपने इस डाटा को एक बार साइड में सेफ रख लिया, इस लिस्ट ऑफ कंपनी में से उसका नाम हटा दिया। अगर आप उसको चाहते हो भी परमानेंटली आपको डिलीट करना है, तो परमानेंटली डिलीट हम चाहें तो आपने इस फोल्डर को जो अभी हमने इसको कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट किया था, तो इसको भी हम शिफ्ट के साथ डिलीट करके इसको परमानेंटली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या फिर आप इसको यहाँ से वापस हम इसको कट करेंगे और डाटा का फोल्डर में इसको वापस लेके आएंगे और वापस इसका रीनेम हम 1007 के नाम से कर देंगे। तो डाटा को वापस हम रिफ्रेश करते हैं, सेलेक्ट पर जाएंगे, तो उस कंपनी का नाम अब आपके सामने यहां पर आ जाएगा। तो अब इसको डिलीट करना है परमानेंटली, तो टेली सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर आप डिलीट करोगे तो इस कंपनी को ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद आपको कंपनी पे जाना होगा, एल्टर पे जाना होगा, और एल्टर के बाद में आपको उस कंपनी को सेलेक्ट करना होगा जो कंपनी आपको डिलीट करनी है। तो यहां पर आपको एल्ट डी प्रेस करना होगा, तो ये पूछेगा आपसे डिलीट, तो आपको करना होगा यस। तो ये आर यू श्योर यस। तो अब वो कंपनी आपकी परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको मैं फिर ये वापस एक वार्निंग दे रहा हूँ भी, ये इसको आपको केवल एजुकेशन पर्पज से ही इस वीडियो को समझे, रियल कंपनी के डाटा के साथ आप इस तरीके की छेड़खानी न करें, इसमें कंपनी का और आपका दोनों का नुकसान हो सकता है। तो ये होती है केवल आपने टेम्परेरी रूप से अगर कोई कंपनी डिलीट करी है तो उसके डाटा को डिलीट करने के लिए, क्योंकि अगर आपने टेली के द्वारा अगर कोई कंपनी डिलीट कर दी तो उसकी जो रिकवरी की संभावना है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ओरिजिनल वर्किंग पे, ओरिजिनल कंपनी पे जहां पे वर्किंग होती है वहां पर ये यूज नहीं करना है डिलीट का। तो ये तो था टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी डिलीट करने का। अब हम बात करते हैं बीजी सॉफ्टवेयर में हम कंपनी को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास अब ये बीजी सॉफ्टवेयर हमको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके की लिस्ट हमारे पास आती है। तो अब बीजी सॉफ्टवेयर में हम दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी को डिलीट करने का अलग अलग प्रोसेस होता है, तो आज आपको मैं टेली में और बीजी में दो के ही बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको ये बैंक ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, इसको आपको यहाँ से डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के आपके पास दो ऑप्शन, सेम ऑप्शन तो वही था जो अभी हमने टेली में सॉफ्टवेयर में जो यूज़ किया था भी, आपको इसको टेम्परेरी रूप से हटाने के लिए आपको इसके डेटा के पाथ पे जाना होगा, और जैसे हम डेटा के पाथ पर जाएंगे तो ये COMP0004 का जो डाटा का कोड है, इस डाटा के कोड को हम कट करके कहीं अदर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली बीजी सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो इसके लिए आपको जैसे हम कंपनी को बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है हमारे पास में, और उसमें आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट कंपनी या फिर सिंगल फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हो या केवल सिंगल फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करना है। अब सिंगल फाइनेंशियल ईयर का मतलब मान लीजिए आपने वो कंपनी जो आप यूज़ कर रहे हो उस कंपनी का आप डाटा कंटिन्यू 5 या 6 या 7 सालों से कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो, और उसमें से आपने किसी एक फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करना है। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2012-13 से लेकर और फाइनेंशियल ईयर आज तक यानी कि 21-22 तक कंटिन्यू वो फाइल है जो रनिंग है। अगर मान लीजिए आपको बीच में से 18-19 का सिंगल फाइनेंशियल ईयर डिलीट करना है तो हम सिंगल फाइनेंशियल ईयर को भी डिलीट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कंपनी को डिलीट करना है तो हम जाएंगे डिलीट कंपनी में। तो इसके लिए अब आपके पास ऑप्शन रहेगा, जैसे हमने बैंक ऑफ इंडिया की फाइल को डिलीट करना है कंपनी को, तो उसके बाद आपसे उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए परमानेंटली डिलीट करने के लिए। अगर आपके पास परमानेंट कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है उस कंपनी का, तो आप उस कंपनी को बीजी सॉफ्टवेयर के द्वारा डिलीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यूज़र आईडी पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम इंटरप्रेस करेंगे, उसके बाद में इसका यूज़र नेम और पासवर्ड हम टाइप करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, तो ये इस तरीके की वार्निंग आएगी, डू यू वॉन्ट
डिलीट, भी कंपनी को डिलीट करना है या फिर केवल सिंगल फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करना है। अब हमें कंपनी को डिलीट करना है तो कंपनी पे जाएंगे, कंप्लीट कंपनी पर, और उसके बाद में ये आपके पास वार्निंग आएगा भी आप इस कंपनी को डिलीट तो कर रहे हो लेकिन आपका जो डाटा है वो नॉट रिकवरेबल है। यानी कि आपको बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे फैसला लेना होगा भी आप कंपनी ने अगर एक बार आपने डिलीट कर दिया तो आपका बीजी सॉफ्टवेयर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भी आपकी कंपनी को वापस रिकवर करे, यानी कि परमानेंटली ही वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप इस लाइक प्रोसेस को करना चाहते हो कंटिन्यू तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा। एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, आप इस टाइप के वीडियो को कंपनी में यूज ना करें, केवल ये लर्निंग पर्पज से है। तो अगर जैसे हम इसको यस करेंगे तो यस करने के साथ साथ हमारा जो कंपनी है वो इस लिस्ट ऑफ कंपनी में से हट जाएगी, जैसा अभी आपने इस टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में देखा था। तो दोस्तों हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का अलग अलग प्रोसेस होता है कंपनी को डिलीट करने का। तो ये जो आप डाटा टेम्परेरी रूप से अगर आप सॉफ्टवेयर का डाटा हटाना चाहते हो तो आप इस लोकेशन पर जा सकते हो, यानी कि सी ड्राइव के अंदर फोल्डर है बिजी विन 18 का और उसके अंदर है डाटा का फोल्डर और उस फोल्डर में आपको ये कोड मिल जाएगा। तो हम इसको एक बार आपको दिखा देते हैं। सी ड्राइव में जाएंगे, बिजी विन 18 में जाएंगे, डाटा का फोल्डर ओपन करेंगे और उसके अंदर आप देख रहे हो ये 4 नंबर का COMP 0004। तो इसको आप यहाँ से कट करके और कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। अभी आपके पास ये टेम्परेरी रूप से डिलीट करनी है, यानी कि डाटा तो आपका इम्पोर्टेंट है बट आपको बहुत ही कम इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपका जो नाम है उस कंपनी में से ये हाइड हो जाएगा। तो बाद में आप इसको वापस इसी डाटा के फोल्डर में वापस हम पेस्ट करेंगे लाके, तो ये कंपनी हमारी वापस इस लिस्ट ऑफ कंपनी में नाम इसका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे के जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।